हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। 10 नंबर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में 10 नंबर क्या होता है, 10 नंबर हमें कब लेना पड़ता है, 10 नंबर को कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ डिटेल वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज 10 नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, 10 नंबर, 10 की जो फुल फॉर्म होती है, 10 का मतलब होता है सर टैक्स डिडक्शन, ए का मतलब होता है अकाउंट एंड एन का मतलब होता है नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर इज 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टैम नंबर इज ऑब्टेन बाय ऑल पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्टिंग टैक्स एट सो TDS एंड हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। दैट मीन्स कि सर 10 नंबर किसको जरूरत पड़ती है, जो TDS डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम आगे देखेंगे वाले कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 10 नंबर की फुल फॉर्म हो गई सर टैक्स डिडक्शन अकाउंट्स नंबर। 10 नंबर एक नंबर होता है, जब हमको TDS डिडक्ट करने की हमारे ऊपर लाइबिलिटीज आती है, हमको 10 नंबर लेना होता है। अब यहां पर बात करते हैं कि सर व्हेन रिक्वायर्ड 10 नंबर, आपको 10 नंबर कब लेना होता है। अगर कंपनी है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, AOP BOI है, तो आपको कंपलसरी 10 नंबर लेना है सर। आपका अगर जीरो टर्नओवर, जैसे ही आपने कंपनी या पार्टनरशिप ओपन की है, फर्स्ट में आपको 10 नंबर के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अगर इंडिविजुअल और HUF की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका बिजनेस है, आप इंडिविजुअल है, आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस का टर्नओवर सर 1 करोड़ रुपए तक है, यानी कि 1 करोड़ के नीचे है, तो आपको 10 नंबर लेने के लिए जरूरत नहीं है। दूसरा प्रोफेशन के केसेस में सर 50 लाख रुपए। अब सर जब भी हमारा कोई बिजनेस होता है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट में हमको TDS डिडक्ट करना है या नहीं करना है, ये 2 सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पहली सिचुएशन तो ये होती है कि सामने वाला जो पर्सन जिसको हम पेमेंट करते हैं, वो जो पेमेंट है वो किसी भी सेक्शन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने प्रोफेशनल पेमेंट किया किसी को, प्रोफेशनल फीस पेमेंट की, तो उसका सेक्शन है 194J, उसमें यह कहता है कि सर अगर हम 30,000 रुपीज से ज्यादा अगर किसी पर्सन को पेमेंट करते हैं, तो हमको टैक्स डिडक्ट करना होता है। तो अगर उसको हमने 30,000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट किया, तो हमको टैक्स डिडक्ट करना है। इसके बाद हमको यह देखना है सर हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। सर हमारी लाइबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, अगर आपका बिजनेस है तो 1 करोड़ का टर्नओवर, और अगर आपका प्रोफेशन है तो 50 लाख रुपीज का टर्नओवर। लेकिन सर अगर हमको 10 नंबर चाहिए और इनका टर्नओवर हमारे पास नहीं है, क्या 10 नंबर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आप अपने वॉलेंट्री बेसिस पे आप 10 नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है, और अगर आप प्रोफेशन में 50 लाख रुपीज से आप क्रॉस कर जाते हैं आपकी ग्रॉस रिसिप्ट एनुअली, तो आपको 10 नंबर लेना होता है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आप 10 नंबर नहीं लेते हैं, तो एज पर सेक्शन 232BB फेलियर टू अप्लाई ऑफ 10 आर नॉट क्विटिंग 10 स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट अट्रैक्ट टू पेनल्टी ₹10,000। दैट मीन्स कि आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई है कि आपको 10 नंबर लेना है, और सामने वाले पर्सन को आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हो, आप उनको उसका TDS डिडक्ट करना है। लेकिन आपने 10 नंबर नहीं लिया, जब तक आप 10 नंबर नहीं लोगे, सामने वाले का टैक्स डिडक्ट नहीं करोगे, तो उस समय गवर्नमेंट आपसे 10,000 रुपये यानी कि 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी आपसे चार्ज कर सकती है। दूसरी बात आती है कि सर कुछ कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जिसको हमको 10 नंबर की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना होता। और सर हम तो एक ही बार प्रॉपर्टी लेते हैं, और हम तो सैलरी या इंडिविजुअल पर्सन है, और यहां पर कंपलसरी है आपको 1% आपको TDS डिडक्ट करना है, तो क्या उस केसेस में आपको 10 नंबर लेने की जरूरत हो? नहीं सर, वहां पर आपको 10 नहीं, आपके पेन के बिहाफ पे आपका काम हो जाएगा, आप उनका 1% TDS डिडक्ट करेंगे और उनका TDS का पेमेंट करेंगे, और उनका जो फॉर्म है ये आप सबमिट करके आप उनको TDS का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। उसका भी पूरा वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर देंगे, वो भी आप देख सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ 10 नंबर। 10 नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ 10 आर अल्फाबेटिकल, यानी कि सर आपके जो भी 10 नंबर के जो 10 डिजिट्स होते हैं उसके 4 डिजिट्स जो होते हैं वो अल्फाबेटिकल होते हैं। नेक्स्ट 5 डिजिट ऑफ 10 आर न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक होते हैं। और लास्ट डिजिट ऑफ अल्फाबेट, यानी कि 10 में से आगे के 4 और सबसे लास्ट ये न्यूमेरिकल होते हैं, सॉरी अल्फाबेटिकल होते हैं, और बीच के जो 5 होते हैं वो अल्फाबेटिकल होते हैं। ओके, बीच के जो 5 होते हैं वो न्यूमेरिक होता है। फर्स्ट 3 अल्फाबेट ऑफ 10 रिप्रेजेंट जुरिडक्शन कोड, ये आपका जुरिडक्शन कोड बताता है। 4th अल्फाबेट इनिशियल द नेम ऑफ द 10 होल्डर, वो कैन अकंपनी फेम और इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 है ये क्या दिखाते हैं सर? आपके जुरिडक्शन दिखाते हैं। एम, एम आपका दिखाता है कि सर आपकी कंपनी है, फॉर्म है, इंडिविजुअल है, क्या है। और 1, 2, 3, 5 और ये लास्ट में एल एज ए नॉर्मली आपको गवर्नमेंट आपको देती है। तो ये है सर स्ट्रक्चर ऑफ 10 नंबर। अब बात करते हैं सर हाउ टू अप्लाई 10 नंबर। अब 10 नंबर को हम सर कैसे अप्लाई करते हैं? तो यहाँ पर 2 मोड है, एक ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको 49B फॉर्म फाइल करना होता है जो हम अभी लाइव देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सर इनकम टैक्स यानी कि पोर्टल पे। आपको गूगल में जाना है, गूगल में आपको टाइप करना है सर 10 नंबर अप्लाई। क्या लिखना है आपको? 10 नंबर अप्लाई। जैसे आप लिखेंगे लॉगिन मास्टर 10nsdl.com की साइट ओपन होगी, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे आपकी ये जो 10 एप्लीकेशन की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एन एप्लीकेंट विल फाइंड फॉर्म 49B ऑनलाइन, सबमिट द फॉर्म। If any errors, rectify them, please submit. अगर कोई एरर है तो आप रेक्टिफाई कीजिए, सबमिट कीजिए, ठीक है। इसके बाद सर आपका ये जो 14 डिजिट का एक्नोलेजमेंट नंबर आएगा आपके पास में, जो रिसिप्ट आएगी उसको आपको सेंड करना है। आपको यहाँ पर जो ये एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे आपको उनको सेंड करना है, प्रोटेन ई गवर्नमेंट, जो हम अभी देखेंगे। तो आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू 10 के ऊपर क्लिक करना है। कैटेगरी ऑफ डिडक्टर आप कौन है? सर हम है इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके ऊपर क्लिक करके उसको आप करें सेलेक्ट। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे, वर्क NSDL के ऊपर साइट नहीं कर रही है क्या? अप्लाई न्यू टेन फॉर DSC यूजर्स, ये नहीं है, हमारे कलर इसी पे करना है। यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक आपको DSC यूजर्स के द्वारा कर सकते हो, यानी कि आपको ये जो एक्नोलेजमेंट है ये आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और एक है आप सेंड करना है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यू 10। अभी शायद वर्क नहीं कर रहा, जस्ट वेट। जैसे ही आपने अप्लाई किया यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया फॉर्म नंबर 49B, ये फॉर्म है ये आपको सबमिट करना। सबसे पहले यहाँ पर आपको एसेसिंग ऑफिसर कोड TDS TCS का कोड डालना है। ये कैसे डालेंगे? डोंट नो योर डिटेल्स, अगर आप अपने डिटेल्स नहीं जानते हो तो आपको यहाँ पर करना है क्लिक किया। क्लिक ईयर करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो सिटी है उसका पहला नाम लिखना है। जैसे हमारी सिटी है इंदौर, तो हम इंदौर का आई प्रेस करेंगे। जैसे हमारा इंदौर का आई प्रेस करें, आई पे इम्फाल आ रहा है, इंदौर आ रहा है, ईटानगर आ रहा है, तो आपको इंदौर पे क्लिक करना है। जैसे आप इंदौर यानी कि आपकी जो भी सिटी है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ITO TDS 2 इंदौर, ITO TDS, ITS TDS 1 इस टाइप से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका एरिया कौन सा है। तो हमारा एरिया फॉर एग्जांपल ये है, हम ये क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करोगे आपके ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का है पर्सन जिसको TDS डिलीट करना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाइड होगा। स्टेट ऑथोरिटी नॉमिनेशन बॉडीज है, हाइड करना है। सर हमारे लिए क्या है? सर हम तो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल्स के लिए आ रहा सर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करता। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी, आप कौन है? तो हमें सर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स पे क्लिक करेंगे। टाइटल इन केस ऑफ इंडिविजुअल ओनली, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सर आप श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे। लास्ट नेम आपके पेन पे जो नाम है वो लिखना है आपको, यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आपको इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर वो नेम टाइप करना है जो आपके पैन कार्ड पर है। नॉर्मल अगर आप प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो आपके प्रोपराइटर का भी नाम होगा। जैसे हमारा प्रोपराइटर का फॉर्म का नाम क्या है? KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट। लेकिन उसके जो प्रोपराइटर है वो है नीरू कुमारी सोलंकी। तो यहाँ पर आपको नीरू कुमारी सोलंकी जो आपके पेन पे है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। ओके,
एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो एड्रेस हम टाइप कर लेते हैं, 213 एम्पायर हेरिटेज, देवगुरड़िया रोड, इंदौर। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको टेलीफोन डिटेल्स डालनी है, पिन कोड नंबर आपको डालना है, तो हमने यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल दिया। टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, तो आपको यहाँ पर कोड डालना है +91 8827, ये हमारा नंबर्स है। टेलीफोन नंबर हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। ईमेल डालनी है आपको यहाँ पर, हमने KSR अकेडमी 2017 हमारी ईमेल कर दी। नेशनलिटी ऑफ डिडक्टर इंडियन है। अब परमानेंट अकाउंट नंबर स्पेशल वेन आर एप्लीकेबल, आपको यहाँ पर अब आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पेन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो भी जानकारी है ये हमारी पर्सनल जानकारी है, हमें किसी के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हर जगह पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने हमारा पेन नंबर एंटर कर दिया है। एग्जिस्टिंग टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर अगर है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, सर हमारे पास में तो नहीं है। टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर ये भी हमारे पास में नहीं है। अब यहाँ पर आपको नेम लिखना है, तो हमने हमारा नेम लिख लिया। कैपेसिटी क्या है, सर हम प्रोपराइटर है, आप प्रोपराइटर है तो आप यहाँ पे प्रोपराइटर लिखेंगे, ओके। देन आपको यहाँ पर डेट इंटर करना है, और डेट के बाद में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डेट, आपका जो प्लेस है वो इंदौर आपका प्लेस आ जाता है, ठीक है। GSTIN नंबर अगर आपका है तो आप यहाँ पर इंटर करें, अदरवाइज ओके। अब आपको क्या करना है, सर पेमेंट करना है, तो पेमेंट आप कैसे करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के साथ करेंगे, सर आंसर इज नो। चेक नंबर देके करेंगे, सर आंसर इज नो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा बचता है सर, नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग पर आप क्लिक करेंगे, और अब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका ये ऑप्शन यहाँ पर आप कैप्चा आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कैप्चा इंटर करना है। WY44 ये आपने एंटर कर दिया। अब हमको करेंगे कंफर्म। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे, अब सर ये हमारा आ गया ट्रांजैक्शन नंबर। ये ट्रांजैक्शन नंबर सर आपको नोट कर देना। ये नोट क्यों करना है कि अगर आप पेमेंट करते समय अगर आप कोई मिस्टेक होती है या एरर आ जाती है, तो ये नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हो। तो 1212042 ये नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। ऑनलाइन 1077 आपको उसका पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको एग्री कीजिए, और एग्री करने के बाद आपका उसको वो सीधा आपको ले चलेगा सर बिल डेस्क यानी कि पेमेंट के डेस्क में। NSDL आप किसके साथ सर QR के साथ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर QR कोड जनरेट कीजिए, और यहाँ पर आप जैसे भीम UPI से आप पेमेंट कीजिए, तो यहाँ पर ये आपका QR कोड आपका ओपन हो जाएगा। तो आप QR कोड मेक पेमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप इस तरह से पेमेंट करेंगे। हम पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है उसमें। जैसे ही आपने इस तरह से ऑप्शन ओपन क्लिक किया, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आई। यहाँ पर आपको स्कैन कोड है, तो स्कैन कोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कैन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और फोन पे गूगल पे पेटीएम से आपको यहाँ पे स्कैन करना है। जैसे आप यहाँ पे स्कैन करेंगे, तो यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे। हम स्कैन कर लेते हैं। जैसे ही हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी ये साइट इस तरह से वर्क करने लग जाएगी। योर रिक्वेस्ट इज बीन प्रोसीड करंट टाइम, या आपका योर रिक्वेस्ट विल टेक सम टाइम, प्लीज वेट। आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये पेमेंट के जो उनके प्रोसेस है उस प्रोसेस को वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद आपका वहाँ पर एक्नोलेजमेंट आ जाएगा। अब ये एक्नोलेजमेंट आपको डाउनलोड करना है, और उस पर साइन करके आपको जो भी एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे आपको कुरियर करना है। अगर आप स्पीड पोस्ट से कुरियर करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद आपका जो 10 नंबर है ये 10 डेज के अंदर आपको एलोटेड कर दिया जाएगा, वो आपके जो भी मेल है उस मेल पे आपको आ जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमने जैसे ही इसको किया, यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपके पास में तीन ऑप्शन है सर, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नोलेजमेंट। तो यहाँ पर आपको एक्नोलेजमेंट पे क्लिक करना है, वो एक्नोलेजमेंट अब आपको डाउनलोड करना है। ये जो एक्नोलेजमेंट है ये हमारे पास में डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शंस में आ चुका है। अब इसको हम करेंगे सर शो इन फोल्डर्स, और शो इन फोल्डर्स करने के बाद इसको हम क्या करेंगे सर, ओपन करेंगे।
ओपन करने के बाद आपको कैसा दिखता है ये भी हम आपको बता देते हैं, और आपको कहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और कौन से एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ये सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे बताते हैं। तो इस तरह से आपने 10 नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ था, ये आपका एक्नॉलेजमेंट ओपन हो रहा है। इस तरह से आप 10 नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हमारा न्यू कोर्स 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सर आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ चुकी है, कैटेगरी इंडिविजुअल्स हैं, सब कैटेगरी इंडिविजुअल्स श्रीमती नीरू कुमारी सोलंकी 213 एम्पायर हेरिटेज दुधिया रोड देवगुरा इंदौर 45-16, ये हमारी ईमेल आईडी है। ये है सर, आपने इस तरह से पेमेंट किया हुआ है, ये डेट है आपकी, यहाँ पर आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स कोड उनका नंबर से CIN नंबर से, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं ब्लैक इंक ऑनली, ब्लैक पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है। और आपको फिर ये क्या कर लेना है सर, सेंड कर लेना है। क्या कर लेना है, सेंड कर लेना है, सेंड द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड प्रोटीन यहाँ पर आपको सेंड करना है। यहाँ पर आपको ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पर आपको ये एड्रेस दे रखा है, सेंड डॉक्यूमेंट, ये आपको एड्रेस है, टेक्नोलॉजी 5th फ्लोर मंथ स्टर्लिंग, यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप 10 नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज का फ्री वेबिनार है रात को 9:30 बजे कि आप टैक्सेशन और अकाउंटिंग फील्ड में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, हम कॉमर्स फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक वेबिनार से 9:30 बजे यूट्यूब पर लाइव है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे क्लास। थैंक यू।